धमतरी में कांग्रेसी अजय चंद्राकर के इस्तीफा देने वाले बयान को लेकर आक्रामक हो गए हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों कुरूद में भरी सभा में अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा था कि एक भी किसान के खाते में 10 दिन के अंदर कर्ज माफी का पैसा आने पर वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे। साथ ही कहा था कि चाहे तो कोई भी कांग्रेसी आकर उनसे शर्त भी लगा ले। इधर कांग्रेस ने घोषणा को अमल करते हुए किसानों की कर्ज माफी शुरू कर दी है, जिससे कांग्रेसी अजय चंद्राकर को पूरी तरह से घेरने की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेसियों की माने तो कांग्रेस सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है, इस हिसाब से अजय चंद्राकर को नैतिकता के आधार पर विधायकी के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं कांग्रेसी नेताओं की माने तो अजय चंद्राकर नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए इस तरह का बयान देकर राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात है कि अजय चंद्राकर इस्तीफे वाले अपने बयान पर खुद का बचाव कैसे करते हैं। कांग्रेस की सरकार जो बात वादा करते हैं वो काम करते हैं, और उन्होंने 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर दिया। तो अब मंत्री को चाहिए, पूर्व मंत्री को चाहिए अजय चंद्राकर जी को, वहां कुरुत के विधायक को, कि अपना इस्तीफा तुरंत दें।